नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। चुनावी मौसम में वादे बहुत है और वोटों को लेकर सियासी इरादे कुछ और ही दिखते हैं। पिछले 2-3 दिन से देश की राजनीति में दो चीजें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, एक मछली और दूसरी मटन मछली। मटन पर राजनीति गलियारों में जबरदस्त महाभारत छिड़ी है। मछली को क्या पता था वो सियासत में फंसेगी। मछली मटन के स्प्लैटर में अब मुगल मानसिकता, आक्रमण और मंदिर जैसे सियासी मसलों की एंट्री हो चुकी है। लेकिन जिन मुद्दों की एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिनकी उम्मीद आम लोग जनता करती है कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। दोस्तों, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को असल मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी आपकी मतलब आम जनता की नजर में मुद्दे है बेरोजगारी, नौकरी मिलनी चाहिए युवाओं को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट के मुताबिक 83% युवा बेरोजगार है। पिछले 5 सालों में आटा, चावल, दूध, दही, पेट्रोल, गैस सब 2-3 गुना महंगा हुआ। महंगाई पर बात होनी चाहिए। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर, गरीबों की भुखमरी पर बात होनी चाहिए, क्योंकि भुखमरी का इंडेक्स कहता है 125 देशों की रैंकिंग में भारत 111वें नंबर पर है। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, तो बात इस पर होनी चाहिए और खास तौर पर तब जब चुनावी वक्त बिल्कुल सामने है। पर ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ बात हो रही है मछली पर, मछली मटन पर। एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री बकायदा मीट का प्रमोशन करते हैं, जनता को गाइड करते हैं कि कौन सा मीट खाना चाहिए, हलाल मीट खाना चाहिए या झटका मीट। और दूसरी तरफ क्यों बीजेपी धर्म की राजनीति के साथ अब खान पान का मुद्दा बना रही है। एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री बकायदा मीट का प्रमोशन करते हैं, जनता को गाइड करते हैं कि कौन सी मीट खाना चाहिए, हलाल मीट खाना चाहिए या झटका मीट। और दूसरी तरफ मोदी जी इससे इनकार करते हैं, इसके लिए मना करते हैं। मतलब मोदी सरकार के मंत्रियों का मीट के साथ मीट की दुकान पर जाकर वीडियो बनाना चलता है, उनका प्रचार करना चलता है। आप गिरिराज सिंह का ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सब तमाम हिंदुओं से कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, लोग अपने धर्म की रक्षा करें। हम अपने धर्म में झटका है, हम झटका खाएंगे। जिनको हलाल है वो हलाल खाए ना, हम उनको मना करने जाएंगे। हमारी उपलब्धता कम है, इन्होंने किया है, अमर जी ने, तो इनको धन्यवाद देता हूँ मैं। मीट की दुकान पर जाकर कहते हैं स्नान तनी भाइयों को झटका मीट खाना चाहिए। मैं सभी हिंदुओं से कहता हूँ आप अपने धर्म की रक्षा करें, लोग अपने धर्म की रक्षा करें। हमारे धर्म में झटका है इसलिए हम झटका मीट खाएंगे। जो हलाल खाते हैं वो हलाल खाए, हम उनको मना नहीं करने जाएंगे। जबकि दोस्तों सनातन धर्म में मीट खाना ही नहीं चाहिए। खैर मुद्दा खाने पीने का नहीं है, मुद्दा ये है जो मोदी सरकार के मंत्री खुद मीट का प्रमोशन करते हैं, लोगों को खाने को कहते हैं, तो क्या PM मोदी को मछली खाने का मुद्दा बनाना चाहिए। आप मोदी जी का पहले ये वीडियो देखिए। जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके, ये इनकी मुगलिया सोच है। सुना आपने, PM मोदी ने कहा कि कुछ लोग सावन में मटन खा रहे थे, नवरात्र के दिन में कुछ लोग नॉनवेज खा रहे हैं और भावना भड़काने के लिए वीडियो दिखा रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता देश भर के मेरे परिवार जनों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में जुटे हैं। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता आरोपी के घर मटन खाते हैं, यही नहीं इसका वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाने का काम भी करते हैं। वोट बैंक के लिए इनकी मुगलिया सोच को देशवासी कभी माफ नहीं करने वाला।
मतलब कि सावन में बीफ कंपनी से चंदा ले सकते हैं, लेकिन नवरात्र में मछली नहीं खा सकते। ये तो गजब का धंधा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान तब आया जब कुछ दिन पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मछली खाने का एक वीडियो सामने आया है। आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं लंच में, मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताइए। ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में उसी में पाया जाता है, उसका नाम है चेचरा। खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत। पीएम मोदी के हमले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा बिहार के मुद्दों के बारे में बात नहीं करती, वे राज्य से पलायन कैसे रोकेंगे या सत्ता में आने पर अगले 5 वर्षों में क्या करेंगे, इस पर बात नहीं कर रहे। तेजस्वी ने कहा, मैं लंबे समय से नौकरियों के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में बोल रहा हूँ, वह इसका हिसाब नहीं देते। दोस्तों, अब सवाल ये है, जहां तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे थे, अब पूरा चुनावी कैंपेन मछली पर ले आए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही एक जैसे मुद्दों पर लगे हैं, कोई आम मुद्दों पर नहीं आ रहा। मोदी जी के पास सरकार के 10 साल की उपलब्धियां बताने को कुछ नहीं है। जो अब ये बताया जा रहा है कि किसे किस महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब कि पूरा चुनाव मुस्लिम लीग और हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति पर ही निकलेगा। क्या देश के प्रधानमंत्री को खान पान को लेकर राजनीति करनी चाहिए? क्या सरकार जी के पास वोट की अपील करने का एक यही तरीका बचा है? देश के प्रधानमंत्री जी मछली खाने का मुद्दा बना रहे हैं। क्या बीजेपी के पास वाकई में कोई चुनावी मुद्दा नहीं है? 400 पार का नारा तो दे दिया, क्या बिना असल मुद्दों के 400 पार हो जाएगा? क्या असल मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया गया है? आप किस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज के नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।